अच्छा तुसी आज 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 प्रभु तू आ तो जा, बड़ा प्यारा भक्त है तू, बहुत देर से तुम्हारे नाम क्या कर। अरे वो जटा वाला बाबा को बुलाना है, ये बहुत बड़ा वाला बाबा है, बहुत किसी की भी ये चैथी काट देता है। तू बैठ जा बेटा, तू रे जटा कहाँ है, मुछ मुंडा है, बैठ जा। तो देख बाबा की अलग नाग जैसी, आ जा बाबा। तुम कह रहे थे ना बैठे बैठे कि कैसा ये जानकार है, अगर जानत है तो हम हूं बुला ले। ये नागपुर के बहुत बड़े महापुरुष है, जहां किसी की पहुंच नहीं है वहां इनकी है। आओ बम भैरव, खुश रहो, स्वीकार है, आओ बैठो। कहाँ रहते हो? वाह तो ठीक है, क्यों ले जा रहे हो ये भैया, जा रहे? हमने कहा अभी दरबार नहीं हुआ, तुम ले जा रहे खोल खाल के। हमने कहा जो गलत तो नहीं बोल दी, आजकल हम हेट स्पीच देने में भी बड़े माहिर हैं। हाँ तो हमने कहा इतने दिन नहीं निकल गए कछु। अच्छा दो सिस्टम। बोलो क्या बात है बाबा। ठीक है, ठीक है, किसकी कृपा चाहते हो बाबा? बोलेगी रो मत, कहाँ रहते हैं आप? चलो माइक लो बाबा, आगे उन्नति होगी, मन शांत रहेगा। साधना देवी की कृपा पाना चाहते हो, देवी की पूर्ण कृपा होगी, जागृत नहीं है, कृपा तो है, बात कह भी देते हो कई बार, एक दो बार सफल हो जाती, एक दो बार खंडित हो जाती, इसलिए कई बार माँ से लड़ते भी हो कि आखिर ऐसा क्या है, क्या कमी रह गई। कोई कमी नहीं, साधना जगेगी, प्रत्यक्ष होगी, देवी कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो साचे दरबार की जय, बोलो बागेश्वर धाम सरकार की जय। गुरु जी बड़ी कृपा की आप दर्शन, हम तो मूर्ख नालायक हैं। अरे हम तो नालायक हैं बाबा, लेकिन आप बहुत अच्छे हो, आपकी जो लगन है ना वो बहुत प्यारी है, हम बहुत खुश भी हैं लगन से, और सोपथी जी का तुम्हारा प्रेम भी बना रहे, बड़ा प्रेम भी बना रहे, हम तो पहली बार मिले। जागरण मंदिर में रोज करते हैं, और आपसे भी मैं चरणों में विनती करता हूँ कि शेरों वाली का मंदिर है, अगर आपसे होता है वाला की कृपा होती है तो जय कुमार भैया हमारे पूजनीय हैं, आपको आएंगे तो बड़ी हम बनाएंगे बाबा। मेरी तमन्ना भी यही है, मैं भैया को भी बोल चुका हूँ कि गुरुजी एक बार मंदिर आ जाएं तो बड़ी कृपा हो जाएंगी, बाकी बालाजी बालाजी ने चाहा माने चाहा तो हम तो सेवक हैं, आ जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छे हो बाबा तुम, क्योंकि इसे यही कहना था, इनको यही कहना था कि छू के प्रणाम करना है, हमका पहले ही छू लो, झंझट खत्म। खुश सदैव खुश, खूब भक्ति बढ़े, मन विचलित ना हो, कोई ऐसा कृत ना हो जिससे छवि खराब हो, बीच बीच में विचलित हो जाते हैं, लंगोट पक्का रखो, खूब भक्ति बढ़े, जाओ आशीर्वाद पूरा, बच्चे तुम्हारे खुश रहेंगे, परिवार खुश रहेगा, बच्चों की उन्नति होगी और उनकी भी उन्नति होगी, प्रेम बनो रहे, बाबा ना बनो लड़ाई जो ना आज कल भी भई थी तन 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 तन, बेबी शांत रहे हैं, जाओ आशीर्वाद। जब भी मैं पुकारूं आप मुझे सहारा दीजिएगा, सदैव खुश रहो, आशीर्वाद। बोलो बागेश्वर धाम की सीताराम। दूसरा आदेश, जो हाथ जोड़े बैठी आप आ जाओ बेटा जी, आओ बहन जल्दी आओ, हाँ जो खड़ी हो गई वो आ गई,
बाकी लोग बैठ जाओ, सबको नहीं खड़ा होना है, बाकी बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, आप भी बहन बैठ जाओ, इनको भी बैठो, बैठ जाओ आप बहन, इनके साथ हो तो आ जाओ, हमने तो उनको बोला। तीसरा, अच्छा शिवम है क्या? शिवम लाला, हाँ बालक, आजा बेटा शिवम, धारीदार शर्ट। इसके बाद आप बैठे रहो, हम बुला लेंगे, यहीं बैठे रहो। बहन आप क्यों आई? नहीं नहीं वो आ गई, हाँ बैठ जाओ यहीं पर, आप माइक लो, बिना माइक के। जय हो वकील साहब की, जय हो। पेशी कौन करेगा? एक भी बार तो दर्शन नहीं कर पाए, अब पेशी कौन करेगा? आ जाओ नजदीक, बोलो क्या बात। क्या हो गया समझ गए? एक स्वास्थ्य का भी लिखा नहीं, दोनों पक्षों में ईगो के कारण हो, कुछ भी ईगो है और कुछ भी नहीं, ईगो के दोनों पक्ष, एक नहीं दोनों पक्ष, ये झुकना नहीं चाह रहे, वो भी झुकना नहीं चाह रहे, और कुछ भी कारण नहीं, जो कारण थे वो सब सुन हो चुका। परेशान घर में कलेश बनता, कृपा होगी, आशीर्वाद सुख शांति रहेगी, आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, पूर्ववत अर्जी में आगे सामंजस्य होगा। बोलो सीताराम, सुख शांति रहेगी। एक बार उनको लिवा लाना, बिल्कुल अब अभी तो नहीं कहते, हम करेंगे, अभी तो कथा में भी हमें आना है, बनाएंगे। अच्छा एक मंत्र है, तीन माला बीच में पेश। साधु जी आप छो, आप बैठो, शुभम शिवम कहाँ से हो प्यारे? माइक लो। नागपुर बाजू में ही रहना है। हाँ तो मैं कैसे पता लगा कि हम आए? उमरेड में कथा हुई थी, उमिया लॉन में, वो मेरे मामा है। अच्छा जिन्होंने करवाई थी? नहीं जिनके प्रांगण में हुई थी। अरे नारद जी के? हाँ नारद, नारद जी के, वो हमारे नारद जी हैं, हमने उनका नाम रखा नारद जी। बोलो क्या बात? पप्पा का बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए फिर मैंने बिजनेस शुरू किया है, लेकिन वो भी अभी ठीक से नहीं चल रहा है। भविष्य उन्नत है आपका बिजनेस में, चिंता ना करें, पिता का कार्य आप आगे बढ़ाएंगे और 7 माह बाद गति आ जाएगी, आशीर्वाद। और बदलना नहीं है ना, ये मंत्र है, इसकी 3 माला करो, आशीर्वाद। माँ स्वस्थ रहे, बीमार बनी रहती, एक ये भी कौतुक प्रश्न है, ये ठीक हो, धाम की पेशी करो, धाम से कवच मिलेगा, 7 माह बाद आप तेज गति पकड़ लेंगे, आशीर्वाद। अभी तो चलना है, उड़ चुके हैं, आएगा। अच्छा समझ गए नारद जी के, हाँ जी हमने उनका नाम नारद जी रखा है, नारद जी रखा है, वो बहुत अच्छे हैं माँ। अगला आप रुको माँ, आप बैठो, आप आओ बच्चों। साधु जी
खुश रहो। बिराजिए, माइक लो। जय श्री राम। कहाँ से हो? माइक लो। नागपुर। अच्छे से बैठ जा बेटा। कौन तो नवाज है पढ़ने जो है सो बैठो। बोलो क्या बात? बस इसने अर्जी लगा के आया है आज, और मैंने अभी मन में सोचा था कि मुझे बुलाएंगे। इसने अर्जी लगाई, आपने मन में सोचा कि हमें बुलाएंगे? आज सुबह आप सपने में आए। सपने में आए? हाँ। और हमने बहन बुला लिया। हाँ। अब बोलो क्या प्रश्न, नजदीक आओ, क्या चाहते हो प्यारे? डॉक्टर बनना है। और कोई प्रश्न? इसमें तो आए हैं तीन प्रश्न। बालक पर कृपा होगी, डॉक्टरी मार्ग में आगे उन्नति करेगा, सिर की पीड़ा ठीक रहेगी। सिर में पीड़ा भी बनती है, वो तो बताया ही नहीं तुमने। रोइए मत, रोइए मत, हनुमान जी को बता। हम तो उनकी बता रहे हैं, हमें नहीं है पता। हनुमान जी को रो मत, सिर की पीड़ा बनती वो ठीक होगा, पति स्वस्थ रहेंगे, आपकी भी शरीर की सूजन कम होती। आशीर्वाद। राम की जय। यही है बराबर। राम की जय हो। बालाजी सरकार की जय। तेज करो तैयारी, धाम आते रहो, वहीं पर झाड़ा लगेगा, नस तड़क रही है, ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, हम कर देंगे उपाय। वो क्या है, बहुत ज़्यादा लोड ले लेता है ये, माइंड शार्पनेस नहीं है, और शार्प माइंड नहीं है। एक होता ना शार्प माइंड, और ये प्रेशर ले लेता है, कोई भी एक बात को लेके बैठ जाता है, उसी का ये दुष्परिणाम है। लेकिन ठीक होगा, हमने कह दिया, हमने मतलब बालाजी ने हमें प्रेरणा दे दी, हमने कह दिया। अब आप अगर नियम का पालन करेंगे तो बात कटने वाली नहीं है। आशीर्वाद। जब उन्होंने बिना बताए आपको संकेत दे दिए, तो आप चलो नियम पर उठो। कुर्सी पर बैठी आओ आप। साधु जी, अरे जोर से बोलो प्रभु। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, गौ माता की। आओ प्रभु। हाँ आने दो। कैसे हो? बैठो, नजदीक आ जाओ दोनों। माइक लो। बोलिए क्या बात है? बस आपके आशीर्वाद से सब खुशहाली है। उमरेड में हम आपके सब सेवा में वहाँ पे आए थे, आप उमरेड आए थे। अच्छा, उमरेड रहे थे। वाह, बहुत अच्छा। आप कोई प्रश्न? बिना घबराए आप बड़ी गंभीरता से बोलिए। बोलिए कोई प्रश्न? हमने भी इतने ही लिखा, दर्द ठीक शरीर का रहेगा, वह दर्शन हमेशा होते रहेंगे, चिंता ना करें। आशीर्वाद। खुश रहो। बागेश्वर धाम सरकार की। फिर भी एक एक चर्चा घर की हमने लिखी, लोग पीछे बहुत रहते हैं, चाटित करते रहते हैं, षड्यंत्र में फंसाते रहते हैं। उसके लिए आप घर पर पांच पाठ सुंदरकांड के करवा दीजिए। सुंदरकांड पाठ, या ब्राह्मण को बुला के या किसी को बुला के, और एक पाठ का हवन करवा दीजिए। हवन आहुति पूरे पाठ का करवा दीजिए। उससे क्या होगा कि वो जो है ना, खुश रहो। घर में ही रखना है।
शनिवार या मंगलवार ज्यादा उचित, दो में से कोई। अभी रुक जाओ, इसके बाद में तो करेंगे, लगभग 32 दिन तो हो जाना चाहिए। ठीक, नवरात्रि में बहुत अच्छा रहेगा, दशहरा के बाद आएंगे फिर से, उमरेड आएंगे हम। उमरेड वाले बुलाना चाह रहे हैं हमें? आएंगे भगवान, आपकी आज्ञा है, पता है हमें। मिले थे हम उमरेड में, मंच पर मिले थे विधायक जी से, मंच पर मिले थे, फिर इन्होंने हमारी विदाई भी की, विधायक जी ने हमारी विदाई भी की थी, ऐसा नहीं है। ये विधायक और एक और विधायक, वो कहाँ गए? हाँ, दोनों, ये दोनों विधायक हमारे बड़े अच्छे, ये है ना उनका परिवार, हाँ हाँ, ये दोनों विधायक महाराष्ट्र के हमारे बड़े प्यारे, जय हो आपके। हमने कहा दो दो विधायक जुड़ गए हैं, हाँ लाला का है, आशीर्वाद भर दिखवा दो। फिर आ जाओ प्रभु, पीले वस्त्र पहने, हाँ बहुत पहले से बैठे वो हैं, बीच वाले भैया टी शर्ट वाले। लाला आगे बढ़ो, सफल हो जाओ, आगे स्थायी नौकरी भी बन जाएगी, तुम्हारी बुद्धि भी शांत रहे, और धाम आना, लाली को भी दर्शन करवा देना धाम के। हम आएंगे उमरेड, हम आएंगे, जब विधायक जी बुलाएंगे हम दौड़े चले आएंगे, हनुमान जी जब कृपा करेंगे तब आएंगे। अगला